आचार संहिता के कारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई गई 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम फिलहाल अटक गए हैं। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोग से परिणाम जारी करने की अनुमति भी मांगी है। जैसे ही चुनाव आयोग ये मंजूरी दे देगा तो 7 बड़ी भर्ती परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इन 7 भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत 17,271 पद शामिल हैं और इन भर्ती परीक्षाओं में 7 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठे थे। देखिए, कौन कौन सी ये भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी बात करें तो आपकी सूचना सहायक जो सीधी भर्ती परीक्षा है 2,730 पदों पर इससे भर्ती का आयोजन 21 जनवरी को करवाया गया था। फिर एएनएम भर्ती परीक्षा 2,058 पदों के ऊपर 3 फरवरी को हुई थी। जेएनएम भर्ती 1,588 पदों के ऊपर 3 फरवरी को ही हुई थी। कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है वो 430 पदों के ऊपर 4 फरवरी को हुई थी और कनिष्ठ लेखाकार की जो परीक्षा है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकार से कहा है कि चुनाव आयोग से इसकी अनुमति ली जाए और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो 7 बड़ी भर्तियां का आयोजन करवाया गया था उनका परिणाम तैयार है। जैसे ही चुनाव आयोग इसकी अनुमति दे देगा तो कर्मचारी चयन बोर्ड ये रिजल्ट जारी कर देगा और जो 7 लाख अभ्यर्थी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो भी अपना परिणाम देख सकेंगे।